नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम जो फुटबॉल का मैच कवर करने वाले हैं। ले लीगा का जो है ये सेकंड मैच है जो हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैच की वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, अगर किसी भी भाई ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है सेल्टा डी वीगो वर्सेज विलरियल के बीच में जो है ये मैच होने वाला है, CEV वर्सेज VIL। हाँ तो दोस्तों यहीं पे अगर हम बात करें हमारा जो है क्या स्टैट्स रहने वाले हैं, तो 8:30 बजे जो आपको जो है ये मैच जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना जो है सभी भाई के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है @scoreplayer। यहाँ पर आपको 1900+ की जो हमारी जो फैमिली मिल जाएगी। अगर आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो जुड़ जाएगा। आज के इस मैच के रेफरी की बात करेंगे, सेल्टा डी वीगो वर्सेज विलारियल। तो यहाँ पर आपके जो मैच जो है रेफरी हैं वो है वेलेंटिन और पिजारो, जो स्पेन के जो हैं रेफरी हैं। फिर उसके बाद अगर इनके एवरेज कार्ड की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 0.31 जो है रेड कार्ड जो है देखने को मिलता है। और वहीं येलो कार्ड की बात करेंगे तो 5.36 जो है आपको जो है परसेंट जो है येलो कार्ड जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप दोनों टीम के टीम स्टैट्स की तरफ ध्यान देंगे तो विलारियल की बात करते हैं। सबसे बात क्लब रैंक 9 पे जो है चल रही है, 27 मैचेस खेल चुकी है जिसमें से 11 मैच जो है विन हुए हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस, 27 मैचेस में 11 मैच जो है विन हुए हैं, 5 मैच जो है ड्रॉ हुए हैं। वहीं पे अगर ध्यान देंगे तो 11 मैच का लॉस भी हुआ है। पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे तो 38 पॉइंट पर जो है ये टीम चल रही है। वहीं पे 27 मैचेस में बहुत ही अच्छी जो है गोल फॉरवर्डिंग की पकड़ जो है इस टीम ने जो है जमा रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 44 गोल जो है फॉरवर्ड हुए हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 44 गोल जो है फॉरवर्ड हुए हैं। वहीं पे गोल अगेंस्ट, यहाँ पे 38 गोल अगेंस्ट हुए हैं। ये गोल अगेंस्ट जो है दोस्तों सेंटा डी वलेरा की टीम से भी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीम वीक है, बट ये है कि इस टीम की जो है गोल फॉरवर्डिंग भी अच्छी है, लेकिन जो गोल कीपर की चॉइसेज है वो बिलो द एवरेज है। क्योंकि यहाँ पे गोल कीपर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गोल कभी कभार जो है खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे विलारियल की जो टीम है ये टीम जो है हर एक मैचेस में जो है एक ना एक गोल जो है कर दिया। तो इसी वजह से इनकी जो गोल फॉरवर्डिंग बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी जो है बनी हुई है। वहीं अगर आप देखेंगे लास्ट मैच स्कोर, तो यहाँ पे सबसे लास्ट मैच इनका लॉस हुआ, फिर लॉस, लॉस, विन, ड्रॉ। तो यहाँ पे इनके साइड से जो है लॉस हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे दोनों टीम की स्टैट्स को कंपैरिजन करके, तो विलारियल की टीम की साइड से हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने देखने को जो है मिल जाती है। वहीं पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास जो है सेल्टा डी वीगो की जो है टीम है, लेकिन सेल्टा डी वीगो की जो टीम है तो उन टीम की साइड से हमें जो है क्या जो है स्टैट्स देखने को जो है मिलता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो क्लब रैंक 17 नंबर क्लब रैंक पे जो है ये टीम चल रही है, जिसमें से 27 मैचेस जो है इस टीम ने खेले हैं। 27 मैचेस में यहाँ पे 5 मैच जो इनके विन हुए हैं, 11 मैच जो ड्रॉ हुए हैं और 11 मैच का लॉस हुआ है। यहाँ पे दोनों टीमें जो है 11-11 मैचेस जो है हारी है। क्योंकि यहाँ पे अगर विन और लॉस का कंपेरिजन करोगे तो वो जो है एक ही कंपेरिजन है। वहीं आप पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे तो 26 पॉइंट पर जो आपको जो है ये टीम जो है देखने को मिल जाएगी। 27 मैचेस में क्या गोल फॉरवर्डिंग, 27 मैचेस में 22 गोल फॉरवर्ड जो है हुए हैं, गोल अगेंस्ट 34 हुए। तो यहाँ पे गोल अगेंस्ट भी इस टीम की साइड से जो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और यहीं पे अगर गोल डिफरेंस की बात करें तो माइनस गोलों का जो हमें डिफरेंस जो है यहाँ पे दिखाई देता है, -12 गोलों का डिफरेंस आपको जो यहाँ पे जो दिखाई देता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे लास्ट मैच को आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो सेल्टा डी वीगो का जो लास्ट मैच था वो जो है ड्रॉ हुआ, ड्रॉ विन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्टा डी वीगो की टीम एक ऐसी टीम है जो गोल फॉरवर्डिंग करती नहीं है, लेकिन अपने जितने भी लास्ट प्रीवियस मैचेस हैं वो हारती भी नहीं है। मतलब मोस्टली मैच जो इनकी साइड से जो हमें जो है ड्रॉ होते हुए देखने को मिलते हैं, और नहीं तो विन भी होते हुए जो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर लास्ट 5 मैच कोड आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है सेल्टा डी वीगो की टीम स्ट्रॉन्ग टीम जो है दिखाई जाएगी। यहाँ पे लाइनअप देखोगे तो लाइनअप जो है मोस्टली जो है यही रहने वाला है। तो स्क्रीन को आप रोटेट कर लेना ताकि आपको लाइनअप एक अच्छे से जो है पता चल जाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे विलारियल की। तो विलारियल की चीज से आपके यहाँ पे जो है पैको जो आपके पास आते हैं फॉरवर्ड से, ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। इनका अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करोगे तो इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड में जो है गोल कर रखा है और असिस्ट भी जो है कर रखा है। वहीं पर ग्रेडा मोरेनो, अगर आप इनके प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करोगे तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनको सपोर्ट करती है आपकी जो सेंटी कैलाजोरा जो टी ए है प्लेयर हैं जो आपको जो है मिडफील्डर में देखने को मिलते हैं। ये जो है आपके ग्रेनेडा को जो है सपोर्ट करते हैं, जो आपके ग्रेडा की टीम है इसको जो है सपोर्ट करते हैं। वहीं आपको देखेंगे तो यहाँ पे पैक क्लेरो जो है ग्रेडा को कभी कभार ये भी जो है सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली गोल जो है आपको जो है ग्रेडा की साइड से ही जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखने को मोइस ग्रेमा, प्रीवियस स्टैट्स अगर नोटिस करोगे तो मोइस ग्रेमा ने जो है गोल किया हुआ है और इनको जो सपोर्ट करते हैं वो आपके पास आते हैं यहाँ पे ग्रेडा।
तो यहाँ पे ग्रेडा जो है आपको जो है मोइस रियोस को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस प्रमोशंस होती है और यहाँ पे ग्रेडा की टीम की साइड से मोइस को प्रमोशन होते हैं। और यहाँ पे फैक एसर एक ऐसा प्लेयर है जो इन सब के बीच में आके कभी कभार फ़ायदा उठा जाता है और हाइएस्ट गोल जो है कर जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है नोटिस करनी पड़ेगी, जो ये चार प्लेयर है, ये चार प्लेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है। और अगर ये चार प्लेयर आपकी टीम में होते हैं तो आप एक अच्छा मैच जो है विन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो है वेनाइटे लबोरा जो है दोस्तों, ये भी कभी कभार जो असिस्ट करने में जो हेल्पफुल होते हैं। और ये हेल्पफुल सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर के होते हैं जो है आपके जो ग्रेडा मोरन। जो ग्रेडा मोरन है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जो है गोल करते हैं, तो इनको असिस्ट करने के लिए ये चार जो इनके जो है राइट हैंडर है जो इनको बहुत ही अच्छा जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये चार जो है कभी कभार जो है फ़ायदा उठा जाते हैं, जिसमें से ये खुद ही गोल कर देते हैं। और ये गोल जो है ये तीन ही लोग करते हैं जो गोल करते हैं, उसके बाद ये दो लोग जो इनको असिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये पांच प्लेयर आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस आ जाती है अगर आप जो है वेलर की टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरी जो है फिर से स्क्रीन रोटेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन रोटेट करना जो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टैट्स उल्टे हैं तो आपको स्क्रीन रोटेट करना जो ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारी जो है सेल्टा की टीम। तो सेल्टा की टीम के बारे में जो है बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो देखो जो आइगो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है। ये जो है ग्रेडा का भाई है, जो यहाँ पे ग्रेड है हमारा जो हमें देखने को मिला था वेलरे की टीम की साइड से। ये दोनों प्लेयर सेम पोजीशन पे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। यहाँ पे इन दोनों को जो है सपोर्ट करता है जो एक प्लेयर है वो है लूकस जो है इसको जो है सपोर्ट करता है असिस्ट करने में। फिर आपके पास एक चॉइस आती है यहाँ पे फेडोर आपके पास एक चॉइस आती है जिसको असिस्ट करने में जो हेल्पफुल होता है वो होता है इगोस इसको जो है असिस्ट करने में जो हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद आपके पास एक प्लेयर की जो चॉइस आएगी वो आपके पास चॉइस आती है यहाँ पे जो आपके हैं रफीना, ये मिडफील्डर में आपको देखने को मिलते हैं, ये भी आपके पास एक अच्छी चॉइस आती है। यहाँ पे जो है दोस्तों जो आपके जो है यहाँ पे आइगोस है, आइगोस को दो प्लेयरों की साइड से जो ऑलवेज सपोर्ट मिलता है जो आपके जो है डिफेंडर में और मिडफील्डर में देखने को मिलते हैं और जो हमेशा जो है राइट पोजीशन में जो है रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट पोजीशन पे रहते हैं ये दोनों, तो ये आपको जो है देखने को मिल जाते हैं और आपके लिए एक अच्छी चॉइस आ जाती है। वहीं आपके पास एक प्लेयर और है जिसको मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके पास जो बेस्ट प्लेयर जो चूज़ कर देते हैं आपके लिए सबसे पहले। तो यहाँ पे दोनों टीम से जो है बेस्ट फाइव प्लेयर जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपको मुझे ओके के बारे में जो नहीं बताया था, जो ओके येस्कू हैं ये एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप इनकी गोलिंग की बात करेंगे तो ये गोलिंग नहीं करते हैं लेकिन ये असिस्ट करते हैं। और ये असिस्ट किसको करेंगे, ये असिस्ट करते हैं फेडोर सेमलोव को जो असिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन प्लेयरों की न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी भाई ग्रैंड लीग स्मॉल लीग खेल रहा है और दोनों टीम को सपोर्ट करके बनाना चाहता है टीम, तो वो भी बना सकता है। और जो है सिंगल टीम बनाना चाहता है, 7-4 का कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहता है, तो वो ये भी कॉम्बिनेशन जो है ट्राई कर सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये सेट जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेट पसंद आ गया है तो आप जो है खुद टीम बनाइए। अगर जो भी भाई खुद टीम नहीं बनाता है और टीम की फिर भी न्यूज़ चाहिए होती है उसको, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, @scoreplayer सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा। विदाउट स्पेस जो है आपको जो है सर्च करना है। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वो भी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। और बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लेना। और जिस भी भाई ने सब्सक्राइब कर रखा तो बेल नोटिफिकेशन आइकन जो ऑल पे चेक कर देना, ताकि हमें आपका नाम जो है पता चल जाए। और आगे जो है मैं शायद ये ट्राई करने वाला हूँ, जो भी भाई जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करता है तो उसको जो है थैंक करके जो है स्टार्टिंग में वीडियो के सबसे पहले जो उनको जो है थैंक्स करके जो है बताएंगे कि किस भाई ने जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना है, लाइक करने की गारंटी आपकी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों टीम की, तो स्टैट्स देख के शायद आप खुद टीम जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम जो है मैं आपके ऊपर ही डिपेंड करूँगा, आप वो खुद बनाना, ठीक है। CEB वर्सेस BIL का मैच जो कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले टीम जो मैं बना चुका हूँ, और ये टीम जो मैंने वही बताई है जो मैंने आपको जो है लाइनअप दिखा के जो है बेस्ट प्लेयरों की जो चॉइसेस दी थी। 6-5 का कॉम्बिनेशन ही ट्राई कर रहा हूँ, कोई अलग कॉम्बिनेशन जो है नहीं ट्राई कर रहा हूँ। गोलकीपर भाई, गोलकीपर आप अपना खुद चूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है। जो भी चूज़ करना है वो चूज़ कर लो, बिल्कुल आपकी गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लड़कों को जो है ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। अब डिफेंडर से एलोजा जो असिस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया भी था। जे आइडो पासिंग के लिए अच्छे प्लेयर हैं। पी टॉरस मेरे पास क्रेडिट
8.0 ही बचा था, तो डिफेंडर में एक ही चॉइस थी, तो भाई इसको ले लिया मैंने। अब कोई मुझे ये मत बोलना कि भाई ये लाइनअप में नहीं है या लाइनअप में है या नहीं, तो मैंने लाइनअप देखा है तो लाइनअप में ये है, इसलिए इसको अपनी टीम में लिया है, ठीक है। और मिडफील्डर, तो मिडफील्डर मैं आपको बता दूँ, एस्क्राजोल बता रखा है भाई, बहुत अच्छी चॉइसेस है। अब इस चॉइसेस को छोड़ोगे और इसकी साइड से असेसिया गोल हो गया तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए इसको जो है ले लेना, ठीक है। एम ग्रोमेज आपको पता ही है भाई ये प्लेयर कौन है और इसने कितने पासेस कर रखे हैं, कितने असेस कर रखे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस आती ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास अलग ऑप्शन में बताऊँ तो यहाँ पे वी अल्बोरा आपके लिए अच्छी चॉइस आती है, जो असेस करते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद ओ यस क्लू आपके पास एक अच्छी चॉइस आती है, जो असेस करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मैंने आपको बताए हैं आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे वी एलोबोरा एडिट कर सकते हो, कोई मना नहीं है। यहाँ पे जी ग्रोमेनो जो आपके पास है, जी मोरिनो एक बहुत अच्छी चॉइस है, पी एसलर एक बहुत अच्छी चॉइस है, ये दोनों प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। आई एस पास गोल करते हैं, इसलिए इनको जो है मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है आई एस लास की जगह हमारे पास जो है पाइनो सिस्टो, ये भी हमारे पास एक अच्छी चॉइस आती है। सेंटोमिना ये भी आपके पास एक चॉइस है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जो है देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वी एब्लोरा असिस्ट कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो मैंने किसे बना रखा है, आप इन्हें भी जो है कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है ये भी ऑप्शन आता है वाइस कैप्टन से, पी एसलर, ठीक है। पी एसलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है विल्सीरिया की टीम की साइड से ज़्यादा गोल होते हुए देखने को मिलते हैं तो आपके पास ये चॉइस आती है, लेकिन आप जो है 7:4 का कॉम्बिनेशन भी जो है ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक चीज़ और ये आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लेयर अपनी टीम में जो है ज़रूर रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस आपको जो है करने हैं। तो यहाँ पे आप जो है इनको हटा के जो है यहाँ पे जो है डिफेंडर में जो एक प्लेयर ऐड कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। गोलकीपर आप दोस्तों अपनी मर्जी का ट्राई करना, क्योंकि गोलकीपर में जो है कभी कभार जो है पेनल्टी सेव्ड भी जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, और कभी कभार डिफेंसिंग भी जो है एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, तो इसलिए गोलकीपर आप अपनी मर्जी का जो है ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये टीम जो हमारी फाइनल रहने वाली है, अगर इसी में कुछ भी चेंजेस कुछ भी अपडेट होगा उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और जो भी भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑल पे जो है कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाइएगा, लाइक करना सभी भाई को जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जब यहीं खत्म करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।